नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों वाली रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान बनाना है इसे, और आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो इसे घर के ही सामान से आप बना सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, और इसमें डाल देंगे 1/3 कप घी। तो हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप डालडा या रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर देसी घी से बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए हम बर्फ़ी में देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। और 1 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन को हमने पहले अच्छे से छान लिया था, अब हम इसे धीमी आंच में भून लेंगे। आंच को हम धीमा ही रखेंगे और बेसन को भूनेंगे। धीमी आंच में बेसन बहुत ही बढ़िया भूनकर तैयार होता है, और नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। 4 से 5 मिनट हमें लग जाएगा बेसन को भूनने के लिए, और जब बेसन भून जाता है तो ये हल्का बहुत ही लाइट हो जाता है। इस तरह से हल्का हल्का दिखने लगता है जब हम इसे चलाते हैं, तो ये चलाने में बहुत ही हल्का लगता है। घी अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। और देखिए, बेसन हमारा भूनकर तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आ रही है। बेसन को अब हमें इतना ही भूनना है, और बहुत ही ये हल्का दिख रहा होगा आपको। तो चलिए, अब हम बेसन भूंज गया है तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। और हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है बेसन को निकालने के बाद। बेसन हमारा ताकि ठंडा हो जाए, तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, और टिश्यू पेपर से कढ़ाई को हल्का सा पोंछ लेते हैं। और इसी कढ़ाई में अब हम बर्फी को बनाएंगे। तो 1/3 कप हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, और 1/3 कप हमने चीनी ली है, और वजन में नापे तो लगभग 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम चीनी। आधे कप हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसकी अब हम चाशनी बना लेंगे। मीडियम आंच में हम इसे पका लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है, जिसे हम ग्रीस कर लेंगे। कोई भी ट्रे या प्लेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची एसेंस। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पकाएंगे। अब वन पिच हमने यहाँ पे ऑरेंज फ्रूट कलर लिया है और इसे डाल दिया है, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना कलर के भी बर्फी को बना पाएंगे, उससे भी बहुत ही बढ़िया कलर आता है बेसन और गुड़ से। चाशनी को अब हम चेक करेंगे, और इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। देखें, इसका बढ़िया से तार बन रहा है। चाशनी को अब हमें इतना ही पकाना है। गैस को हम बंद कर देंगे या फिर बिल्कुल धीमे में रखेंगे, और तभी हम बेसन को मिलाएंगे। अब हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ही अपने आप ही थिक हो जाएगी, और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और 2 मिनट बाद देखें, इस तरह से काफी ये थिक हो गई है। अब जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखी थी बर्फी को, उस पे फैला देंगे। चाशनी में बेसन डालने के बाद 2 मिनट ही हमें इसको थिक करना रहता है। तो आप चाहें तो बंद गैस पे इसे थिक कर सकते हैं, या फिर आंच को बिल्कुल धीमा ही रखिएगा। वैसे तो जब चाशनी अच्छे से हो जाती है तो बंद गैस में ही ये थिक हो जाती है।
अब हमने इसमें गरी का बुरादा लगा दिया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से लगा सकते हैं। तो कोकोनट को लगाने के बाद हम इसे कटोरी से अच्छी तरह से चिकना कर देंगे। और देखें बहुत ही बढ़िया ये सेट हो गई है, हल्की गरम है तो हल्की गरम में ही हम इसे काट लेंगे ताकि ये आसानी से कट जाए। तो जैसे पीस आपको पसंद हो बर्फी के उस हिसाब से आप काट सकते हैं, चौकोर त्रिकोण जैसे भी आपको पसंद हो बर्फी को उस हिसाब से आप काट सकते हो। और हमने बर्फी को काट लिया है तो अब हम इसे निकाल भी लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर आपको बर्फी निकालने में कभी भी कोई दिक्कत हो तो हल्की धीमी आंच में इस ट्रे को आप गर्म कर लीजिए, बर्फी वाली प्लेट को, तो बर्फी बहुत ही आसानी से निकल आती है। और बर्फी हमारी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नई नई रेसिपी।